जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म। मैथ्स प्लेटफॉर्म आज NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो लेके आया हुआ है। उसमें तरह तरह के क्वेश्चन को लाया हुआ है जो कि अभी हाल फिलहाल में जो पूछा जा रहा है, ठीक है। और यदि इसमें एग्जाम में बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम आ रहा है कैलकुलेशन से रिलेटेड, क्योंकि आपका वहां पे 100 क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको समय मिल रहा है 90 मिनट का समय मिल रहा है। तो कैलकुलेशन से जितने भी सारे वीडियो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, आप आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मिल जाएगा आपको। चलिए आज हम देखते हैं क्या NTPC के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इतना इंपॉर्टेंट मानिएगा जो कि आपका एग्जाम में आपको काफी नंबर दिला सकता है। क्योंकि नंबर दिलाने के लिए एक ही चीज है कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, और अभी हम जितने भी वीडियो को डाल रहे हैं वो सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि आप बना लेते हैं या तो आप टेस्ट देते हैं तो भी उसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, और टेस्ट देने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ये आपका टेस्ट बुक है, या तो आप ग्रेडअप का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जगेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अब अभी आपका मान चलिए कुछ भी नंबर आ रहा होगा, यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपका जाहिर 100% ही कुछ ना कुछ आपका इंक्रीज जरूर करेगा, क्योंकि हम जितने भी वीडियो डाल रहे हैं कैलकुलेशन का तो धज्जी उड़ा के रख दिया। आप देख सकते हैं हमारा आई बटन जो दिए हुए उस पर आप जाके देख लीजिए, उसमें कितना हम आपका कैलकुलेशन कितना इजी वे से हम करके दिखाए हैं। सो किसी भी चीज का कैलकुलेशन को करना मात्र 2 से 3 सेकंड में आप। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या NTPC के लिए क्या खास क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला बात क्या बोल रहा है, एक महीने का ब्याज मिलता है। ठीक है, क्या बोले, यदि 1 रुपया पर 5 पैसे 1 महीने का ब्याज मिलता है तो 10,000, ठीक है, 10,000 रुपये का 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। कितना होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को देखिए, आपका 100% आपको विश्वास दिलाते कि समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी अभी वीडियो अपलोड करेंगे NTPC और ग्रुप डी से रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि एग्जाम में पास आउट आपको करना है, किसी और को नहीं करना है, इसलिए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 रुपया पर कितना पैसा का ब्याज मिलता है, 5 पैसे का ब्याज मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको 10,000 रुपये का बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए आप 10,000 रुपये का ब्याज हमको प्राप्त करना है, तो यहाँ पे ये कितना गुना है, 10,000 गुना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसका भी 10,000 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 10,000 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इतना पैसा हो गया, इसको पैसा इतना हमारा है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, इसको रुपया में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा 00 से 00 कट गया, मतलब कितना हो गया हमारा, 500 रुपया। ठीक है, जब 500 रुपया आ गया तो ये क्या बोल रहा था कि ये 1 महीने का जो ब्याज है वो 500 रुपया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से निकल के क्या आता है, 1 महीने का जब हमारा ब्याज कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, 6 महीने का ब्याज पूछ रहा था, तो 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा, 500 × 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6×5=30, मतलब कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया इसका साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप क्लिक किए फिर आगे की ओर बढ़ गए, ऐसा कीजिएगा तो आपको कभी भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, और ना ही आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में पास करने के लिए आपको सबसे पहला बात है क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, चाहे किसी भी चैनल का हो, ऐसा नहीं कर रहे कि हमारा मैथ प्लेटफॉर्म का ही हो, आपको मैथ प्लेटफॉर्म, इसलिए हम आपको मैथ प्लेटफॉर्म का हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैथ प्लेटफॉर्म में हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। चलिए हम इसके आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा हम लेके आए हुए हैं। सो और ये काफी अच्छा भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ये क्या बोल रहा है, किसी निश्चित धन पर
किसी निश्चित धन पर, किसी निश्चित धन पर क्रमशः 6% तथा 5% तथा 5% की दर से पांच प्रतिशत की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करें, देखिए सबसे पहला पास किसी धन बोला है, तो किसी धन का हम लोग क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। रेट हमारा कितना परसेंट है? 6% है। ठीक है, समय हमारा कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। बटा कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। फिर इसको रेशियो लीजिए, दूसरा धन को भी आप लोग एक्स मानिए, इंटू रेट हमारा कितना दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष दिया हुआ है। नीचे भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 खत्म हो गया, ये वाला एक्स खत्म हो गया। यहाँ से काट दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, कितना होगा? 9 ratio 5 2 जा 10, और ये रहा आपका आंसर। चलिए इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो तुरंत वीडियो को अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा कि एक खंभे की जो ऊंचाई है वो आपका दिया हुआ है 6√3 है, 6√3 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, परछाई की जो लंबाई है वो 6 है। परछाई की लंबाई वो जो है वो आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, यहाँ भी आप सेंटीमीटर मान सकते हैं, जो चीज मानिए दोनों सेम यूनिट मानिएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण कितना होगा? देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला बात हम इसका फिगर बना रहे हैं, ये हमारा फिगर है। ठीक है, ये आपका फिगर है, बोल क्या रहा है कि खंभे की ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है, और परछाई ये आपका जो है आपका परछाई है, ये आपका 6 दिया हुआ है। देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो है, या फिर ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ये आपको पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो उसी में से आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि 10 थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार, देखिए लंबाई आपका कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये आपका जो है 6√3 है, और आधार आपका कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 से 6 कट जाएगा, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 थीटा बराबर हो जाएगा √3, और आप जानिए कि √3 10 थीटा में इसका वैल्यू होता है तो 10 60 का वैल्यू होता है, मतलब यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और यही रहा इससे पूछ रहा था कि इसका एंगल कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को तुरंत अभी लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो को अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्योंकि एग्जाम आपको पास करना है, किसी और को नहीं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।